सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्टार्टर काम कैसे करेगा। पानी का टंकी हमने यूज कर लिया, कपड़े धो लिए, नहा लिया। पानी का टंकी जैसे ही ख़त्म होगा तो हमारा फ्लोट स्विच मोटर को ऑन कर देगा, और जैसे ही हमारी टंकी भरेगी, फ्लोट स्विच जैसे ही ऊपर की तरफ होगा, हमारा मोटर बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट स्विच से सप्लाई आउट हो जाएगी। अब धीरे धीरे हम फिर से टंकी का पानी ख़त्म करते जा रहे हैं, फ्लोट स्विच नीचे आता जा रहा है, और जैसे ही फ्लोट स्विच सीधा होगा फिर से मोटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही भरेगा तो फिर से मोटर ऑफ हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि हमारा टंकी आधा भरा हुआ है, आधा ही खाली हुआ, तो मोटर तो बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक चालू नहीं होगी, और हमें अपना ताज़ा पानी भरना है, भैंसों को पानी पिलाना है या पाइप से नहलाना है। तो आप अपना जो 16 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है, इसको जैसे नीचे दबाएंगे आपका मोटर ऑन हो जाएगा। बेशक हमारा फ्लोट स्विच लगा है लेकिन उसका कनेक्शन हट गया, हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। अब भैंसों को नहला लो, ट्रैक्टर धो लो, चाहे मोटरसाइकिल धो लो, अपना जैसे ही काम ख़त्म हो जाए फिर से मोटर को बंद कर दो, तो फिर से मोटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप मोटर बंद करना भूल जाते हैं और घंटों के हिसाब से पानी बर्बाद हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपका समरसेबल या टिल्लू पंप को ऑटोमेट करके दिखाऊंगा एक फ्लोट स्विच से, और उसी तरह से आप भी अपना स्टार्टर बना सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, सिर्फ 300 रुपये लगा करके आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। 250 रुपये में आपको फ्लोट स्विच मिल जाएगा, और एक आपको ख़रीदना है टू वे स्विच। आपकी मोटर के अंदर वन वे स्विच लगा हुआ होगा, तो आपको क्या करना है कि 16 एम्पियर का टू वे स्विच ख़रीद लेना है, और आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कि कनेक्शन कैसे करना है। जो हमारा सिंगल फेज का समरसेबल या मोटर होता है, उसके लिए हमें दो वायर का रिक्वायरमेंट होता है, एक फेज और न्यूट्रल। तो MCB के नीचे वाले पॉइंट पे हम फेज न्यूट्रल लगा देंगे, MCB के ऊपर वाले पॉइंट से फेज और न्यूट्रल को आउट करके कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देंगे। अब फेज को आउट करके R वाले पॉइंट में लगा देंगे टर्मिनल पे, और जो हमारा न्यूट्रल है इस वाले तार को आउट करके B वाले पॉइंट पर लगा देंगे हम, जो हमारा टर्मिनल का पॉइंट है। अब यहाँ हम एक रनिंग कैपेसिटर यूज करेंगे, उसको R और Y वाले पॉइंट पर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। किसी किसी जगह पर हम दो कैपेसिटर लगाते हैं अपना समरसेबल और मोटर में, एक रनिंग और स्टार्टिंग का। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, एंड स्क्रीन में आपको लिंक दे दूंगा, और इधर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है डबल पोल का, इसमें एक A2 पॉइंट है और एक A1 पॉइंट है। तो A2 पॉइंट में हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, और MCB से ही एक फेज को आउट करेंगे, या कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले पॉइंट से एक फेज को आउट करके जो आपका 16 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है इसके नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, और ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके अपना A1 में कनेक्ट कर देंगे। अभी हमारा समरसेबल या मोटर ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा जब तक स्विच दबा देंगे तब तक मोटर ऑन होगा, और स्विच बंद करने पर मोटर ऑफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 16 एम्पियर वाले स्विच को टू वे स्विच से रिप्लेस कर देना है, जिसके अंदर हमारे 3 पॉइंट होते हैं। जो हमने MCB से सप्लाई आउट की थी उसको बीच वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, और नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके कॉन्टैक्टर के A1 पर लगा देंगे। जैसे ही हम अपना स्विच को नीचे दबाएंगे तो हमारा मोटर ऑन हो जाएगा मैनुअली, और जैसे ही हम अपने स्विच को बंद कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों जो 16 एम्पियर के स्विच में ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और अपना फ्लोट स्विच के कॉमन वायर में कनेक्ट कर देंगे। फ्लोट स्विच के अंदर हमें 3 वायर देखने को मिलते हैं, एक कॉमन, NO और NC। कैसे इसको प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से फ्लोट स्विच के NO, NC और कॉमन के बारे में पता लग जाएगा। अब जो हमारा फ्लोट स्विच का दूसरा वाला पॉइंट होता है, यहाँ से सप्लाई को आउट करके कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया है, और अभी जो हमारा 16 एम्पियर वाला स्विच है ये ऊपर की तरफ दबा हुआ है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हमारा ये स्टार्टर काम करेगा। पानी का टंकी हमने यूज कर लिया, कपड़े धो लिए, नहा लिया। पानी का टंकी जैसे ही ख़त्म होगा तो हमारा फ्लोट स्विच मोटर को ऑन कर देगा, और जैसे ही हमारी टंकी भरेगी, फ्लोट स्विच जैसे ही ऊपर की तरफ होगा, हमारा मोटर बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट स्विच से सप्लाई आउट हो जाएगी। अब धीरे धीरे हम फिर से टंकी का पानी ख़त्म करते जा रहे हैं, फ्लोट स्विच नीचे आता जा रहा है, और जैसे ही फ्लोट स्विच सीधा होगा फिर से मोटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही भरेगा तो फिर से मोटर ऑफ हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि हमारा टंकी आधा भरा हुआ है, आधा ही खाली हुआ, तो मोटर तो बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक चालू नहीं होगी, और हमें अपना ताज़ा पानी भरना है, भैंसों को पानी पिलाना है या पाइप से नहलाना है।
तो आप अपना जो 16 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है इसको जैसे ही नीचे दबाएंगे आपका मोटर ऑन हो जाएगा। बेशक हमारा फ्लोट स्विच लगा है लेकिन उसका कनेक्शन हट गया, हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। अब भैंसों को नहला लो, ट्रैक्टर धो लो, चाहे मोटरसाइकिल धो लो, अपना जैसे ही काम ख़त्म हो जाए फिर से मोटर को बंद कर दो तो फिर से मोटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।